डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने सभी राजनीतिक कैदियों को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में व्यवहार करना चाहिए, परंतु लेखक के विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे। इस शताब्दी के पहले 2 दशकों में भारत की जेल हमारी संकल्पनाओं के नरक से काफ़ी मिलती जुलती थी। खाना, कपड़े, रहने के हालात, सफाई व्यवस्था और इन सब से बढ़कर कैदियों के प्रति अधिकारियों का रवैया सभ्य स्तर से काफ़ी नीचे था। जेल कोड के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत दवा की गई थी, वह जेल के अधिकारियों के गैरकानूनी और अमानवीय रवैये के कारण समाप्त हो जाती थी। राजनीतिक कैदी यह कार्य अपने ऊपर स्वयं लाद लेते थे और स्वेच्छा से तकलीफें उठाकर अधिकारियों के विरुद्ध कठिनाइयां उत्पन्न करते थे, ताकि सरकार को मजबूरन जेल के हालात में सुधार करना पड़े। गैरकानूनी ढंग से कैदियों को पीटना और क्रूर यातनाएं देना एक आम बात थी। मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात नहीं थी। जेल के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार सामान्य रूप से फैला हुआ था। सच्चा और ईमानदार जेल अधीक्षक शायद ही कहीं हो, अतः लेखक और उसके साथियों को अनुचित रूप से गड़बड़ करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए कठिनाइयां पैदा करनी पड़ती थीं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य खराब होना सामान्य बात हो गई थी। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि उस समय विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे गए थे। एक प्रकार से वे जानबूझकर कठिनाई पैदा करने वाले थे और निश्चित रूप से आदर्श कैदी न थे। स्वयं गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कठिनाइयां पैदा की। जब भी उन्हें कैद किया गया, पाई पेराचेंज, गांधी जी भिन्न अर्थों में कठिनाई पैदा करने वाले थे। जब भी उनको जेल में रखा गया, वे जेल में आने के तत्काल बाद सरकार को मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों पर, परंतु प्राय जेल के हालात पर भी पत्र लिखने शुरू कर देते। जब 9 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनको पूना के निकट आगा खां महल में ले जाया गया और उनके अन्य साथियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अहमदाबाद के किले में नज़रबंदी के लिए ले जाया गया। गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को एक विशेष रेलगाड़ी से चिंचवड़ स्टेशन ले जाया गया। वहां 2 दलों को अलग अलग कर दिया गया। गांधी जी आगा खां महल में 9 अगस्त को सवेरे पहुँचे। कांग्रेस जनों को अपनी अंतिम सलाह उन्होंने प्यारे लाल को इस प्रकार लिखाई थी। अहिंसा में विश्वास रखने वाले स्वतंत्रता के हर सिपाही को चाहिए कि वह करो या मरो का नारा लिखे और इसे अपने कपड़ों पर लगा ले, ताकि यदि सत्याग्रह में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सत्याग्रही और अहिंसा में विश्वास रखने वाले
के रूप में पहचान लिया जाए। देश के नाम उनके ये अंतिम अनुदेश थे। पाई पेराचेंज अध्यक्ष महोदय, अब हम उनके जेल जीवन की चर्चा करेंगे। महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में महल को जेल घोषित कर दिया गया था। जेल में उनके साथी थे महादेव देसाई, मीराबेन और सरोजिनी नायडू। एक दो दिन बाद इस दल में कस्तूरबा भी शामिल हो गई, क्योंकि एक सार्वजनिक सभा में भाषण करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दिन 9 अगस्त को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और एक अन्य पत्र बंबई के गवर्नर को लिखा। उन्होंने 9 तारीख को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा कि इसमें सरासर झूठी बातें दी गई हैं। भारत सरकार प्रस्ताव में कांग्रेस के और उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक सत्याग्रही के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के लिए भी विरोध प्रकट किया। उन्होंने गवर्नर को याद दिलाया कि इस बार आंदोलन में अपने आप को गिरफ्तार कराने का कार्यक्रम नहीं रखा गया, बल्कि सत्याग्रही गिरफ्तारी से बचने का भी प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि वह अहिंसा में विश्वास रखता है, इसलिए उस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ धक्का मुक्की नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जेल अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया था कि उन्हें समाचार पत्र नहीं दिए जाएंगे। पाई पेराचेंज, परंतु सरकार के विरुद्ध वास्तविक आक्रमण हुआ। उनके 14 तारीख के वायसराय को लिखे गए पत्र द्वारा उन्होंने सरकार के प्रस्ताव के भिन्न उपबंधों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और यह कांग्रेस के विरुद्ध झूठे आरोपों से पूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोगों में त्याग की इतनी अधिक भावना जागृत की जाएगी कि सबका ध्यान इधर आकर्षित हो। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि इसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। वायसराय के विरुद्ध यह शिकायत थी कि कांग्रेस पर प्रहार करने से पहले सरकार को अथवा वायसराय को उनके पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। सरकार के प्रस्ताव में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि भारत की सुरक्षा का काम उसके सिर पर है। गांधी जी को यह दावा सच्चाई के साथ मजाक लगा। विशेषकर मलाया, सिंगापुर और बर्मा की रक्षा में पूर्ण असफलता के बाद उनके विचार में सरकार का प्रस्ताव सत्य की हत्या थी। वायसराय ने केवल एक वाक्य में इसका एक कटु उत्तर दिया। इसके बाद महादेव देसाई की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि गांधी जी के सबसे अधिक वफादार सहायक और सचिव थे। भारत में यह माना जाता था कि उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने महानिरीक्षक को एक संदेश दिया कि इसे एक्सप्रेस तार द्वारा भेज दिया जाए। संदेश में महादेव की
विधवा को केवल सांत्वना दी थी और हिम्मत बनाए रखने को कहा गया था। स्टॉप।